श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। 19 मई को शुक्रवार के दिन अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत है, जो कि साल में एक बार आता है और बहुत ही खास होता है। ज्येष्ठ मास की पवित्र महीने की अमावस्या तिथि है और शनि जयंती भी है, और आपको बहुत ही आसान से उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 3 उपाय बताएंगे। पहला उपाय जो होगा वो आपको चावल और हल्दी से करना है, दूसरा जो उपाय होगा वो आपको लौंग से करना है, और तीसरा उपाय आपको दीपक से करना है। ये तीनों उपाय आपको करना है। ये तीनों उपाय ज्येष्ठ मास के पवित्र महीने की शनि जयंती यानी कि वट सावित्री व्रत वाले दिन ही किए जाते हैं। देखिए, इसमें मैं 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में आपके जो पति हैं उनको किसी भी प्रकार से धन की समस्या है, किसी भी प्रकार से वो टेंशन लेते हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, उनके जीवन में कोई भी काम जो है वो सिद्ध नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं होता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, पहला उपाय है। उस जल के अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेना है। 108 दाने चावल भी ले सकते हैं, 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं, और ये चावल के दाने को थोड़े से जल में भिगो करके उसके बाद चावल के दाने को आपको पीस लेना है, ठीक है। और ये जो पीसे हुए चावल जो हैं वो आपको इस तांबे के पात्र के अंदर जो जल भरा है इसी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। आंखें नहीं डालना है। साथ में आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, और ये एक चुटकी हल्दी भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस उपाय को समझना, हल्दी वाला जल और चावल वाला जल हो गया। चावल इसलिए डाले हैं कि मानसिक तनाव जो है वो दूर हो, समस्या जो है वो दूर हो। हल्दी इसलिए डालते हैं ताकि जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो। और आज तो शुक्रवार का दिन भी है, आप क्या करेंगे, बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाएंगे, सुबह से लेकर के शाम तक यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले आपको ये उपाय करना है, और बरगद के पेड़ की जड़ में आपको ये जल अर्पित कर देना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। बहुत ध्यान। अब दूसरा उपाय, दूसरा उपाय आपको करना है मात्र 1 लौंग से और 1 तांबे के पात्र के अंदर जल से। क्या करना है, देखिए ये जो उपाय है आपके जीवन के सारे कर्जों को दूर करता है। आप बाधा आ रही है आपके पति के जीवन में, किसी भी प्रकार से बाधा आ रही है, कोई कार्य वो करने जाते हैं वो कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर मात्र 1 लौंग डालना है, लेकिन लौंग साबुत होनी चाहिए, फुल वाली होनी चाहिए, खंडित लौंग नहीं डालना है, मात्र 1 लौंग डालना है। और ये ले जाना है आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर, सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजमान हो तो शिवजी के ऊपर आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये पात्र जो है आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? अगर शिवलिंग विराजमान नहीं हो तब आपको बरगद के पेड़ की जड़ में ये अर्पित करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और आपके जीवन के जो भी कर्ज हैं वो उतर जाए। तीसरा उपाय भी आपको लौंग से करना है, लेकिन साथ में आपको लेना है मात्र 1 दीपक। दीपक आपको गोलबाती का लेना है, विशेष इस बात का ध्यान रखना, आप आटे का दीपक बनाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। और ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए भी आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर ही जाना है और ये उपाय करना है। क्या करना है, वट वृक्ष के वहाँ पर जाना है, 1 दीपक लेना है गोलबाती वाला, घी उसके अंदर आपको डालना है, उसके अंदर आपको घी डालना है, साथ में 1 लौंग लेनी है, ठीक है, फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, दीपक को आपको वहाँ पर वटकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है, और 1 लौंग जो है लौंग का आपको भोग लगाना है। तो लौंग आपको दीपक के अंदर नहीं डालनी है, आप लौंग हाथ में रखें, 1 लौंग लेना है मात्र, और आपको हाथ में रखना है, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, कामना है वो बोलनी है, और अंत में जो 1 लौंग जो है वो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वहाँ पर बरगद के पेड़ की जड़ में आपको रख करके आना है, ये भोग लगाना है, दीपक के अंदर नहीं डालना है, साइड में आप रख देना। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पवित्र तिथि है, साथ